कल एक बड़ी घटना घट गई नवादा में, जिसको आप सभी ने कवर भी किया था। 70-80 महादलित परिवार के घर को जलाया गया, और वो नवादा से 1 किलोमीटर भी नहीं है, जहां कलेक्टर साहब बैठते हैं, एसपी साहब बैठते हैं। महादलितों के नाम पर सत्ता में आने वाले लोगों से हम पूछना चाहते हैं कि इस तरह की अगर घटना घटी तो ये किसकी जवाबदेही है, और वो भी एक ऐसे छोटे जमीन के मामले को लेकर जिसका म्यूटेशन का केस चल रहा है। जिनका घर जलाया गया उनके पास भी पेपर है, और जिन लोगों ने जलाया उनके पास भी पेपर है। तो जब तक वो फैसला नहीं हो जाता है तब तक इस तरह का वारदात नहीं होना चाहिए, लेकिन ये हुआ। और कोई भी, चाहे सरकारी पक्ष के लोग हों या किसी अन्य पार्टी के लोग, किसी ने उनकी सुधि नहीं ली थी। सुबह से ही कांग्रेस का जो जिला कमेटी है, कांग्रेस के जो नेता थे, सब के खाने पीने का प्रबंध से लेके सारा कुछ कांग्रेस पार्टी कर रही थी। यहाँ जो दोनों मेरे नव नियुक्त AICC के सेक्रेटरी हैं, सुशील पासी जी और शाहनवाज जी, ये लोग पहली बार आ रहे थे। फिर मीटिंग जैसे ही समाप्त हुआ, मैं खुद गया और सबको साड़ी धोती, वहाँ 500-500 बंटवाने का काम हम लोगों ने वहाँ सामने किया। मनोज राम जी सासाराम के MP जो थे वो भी मेरे साथ में थे। नीतू सिंह वहाँ की जो लोकल MLA है वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही थी। मंटन सिंह जो जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे वो वहाँ उपस्थित होके सब लोगों की मदद की। सरकार सब खाद्य सामग्री से लेके सब कुछ का प्रबंध कांग्रेस पार्टी ने कराया, और हम वहाँ घोषणा करके आए कि अगर सरकार 7 दिनों के अंदर ये इनका घर नहीं बनवाती है तो कांग्रेस पार्टी अपने खर्चे से उनका घर बनाएगी। यहाँ एक बड़ा सवाल है कि मांझी जी का उसमें जो बयान आया, या और जो भारतीय जनता पार्टी के साथियों का बयान आ रहा है, वही लोग सरकार में हैं, दोनों एक जगह, कोई भारत सरकार में है कोई राज्य की सरकार में, और किसी को वहां जाने की फुर्सत नहीं है, केवल बैठे बैठे बयान देकर और इसका लीपा पोती लोग करना चाहते हैं। हम लोगों ने आग्रह किया है शासन प्रशासन के लोगों से कि इस मामले को तुरंत सुलझाइए, नहीं तो कांग्रेस सड़क पर उतर के और इसका विरोध करेगी।